हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पी आर नॉलेज से सेंटर। तो आज हम करेंगे जीएस प्रीलिम्स 2015 का पीवाईक्यू। तो पीछे जाते हुए हम सारे कर रहे हैं, 2023 का किया, 22 का किया, सब किया, तो 2015 तक आ गए। आप इसमें देखिए कितने क्वेश्चन पीवाईक्यू रिपीटेड होते हैं और आप पैटर्न भी समझ सकते हैं, सब कुछ रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं, सॉरी अपना पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करना तो एक ही रिक्वेस्ट है, आप चैनल को ऐसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज 2015 का यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2015 का पुनर्परीक्षा हुई थी तो उसका पेपर है, तो चलिए करते हैं। प्राचीन इतिहास है वैदिक सभ्यता से। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो किसे? गाय को समझा जाता था। और है सूत्र महाकाव्य काल संगम काल से। सर्ग प्रतिसर्ग स्वंश मन्वंतर और वंशानुचरित संकेतक है पुराणों के, सूत्रों के, उपनिषदों के या वेदों के? तो है पुराणों के। अमरकोश आदि प्राचीन कोशों में पुराणों के पांच लक्षण माने जाते हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश मतलब देवता व ऋषि, सूची, मन्वंतर 14 मनु के काल, और वंशानुचरित सूर्य चंद्रादि वंशी चरित। सर्ग में पंच महाभूत इंद्रियगण और बुद्धि आदि तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन है। प्रतिसर्ग में संपूर्ण चराचर जगत के निर्माण का वर्णन है। वंश में सूर्य चंद्र आदि वंशों का वर्णन है। मन्वंतर में मनु, मनु मनुपुत्र, देव, सप्तर्षि, इंद्र और भगवान आदि के अवतारों का वर्णन है। वंशानुचरित में प्रतिवंश के प्रसिद्ध पुराणों का वर्णन है। पुराणों की कुल संख्या 18 है और इनके रचयिता लोमहर्ष अर्थ इसका पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। मौर्योत्तर, मौर्योत्तर से है मिलान करना है। अशोक जो है, अशोक का नाम क्या था? अशोक का नाम प्रियदर्शी था। समुद्रगुप्त का नाम क्या था? समुद्रगुप्त का नाम था विक्रमादित्य, नहीं समुद्रगुप्त पराक्रमांक, बहुत पराक्रमी था इसलिए पराक्रमांक। और चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य था और स्कंदगुप्त क्रमादित्य था, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? नियारकस, डायमेकस और अनिसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। तो डायमेकस नहीं आया था। कार्टियस, डियोडोरस, एरियन, जस्टिस, प्लूटार्क, नियारकस, ओनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस आदि यूनान इतिहासकार सिकंदर के साथ भारत आक्रमण के समय भारत आए थे, जबकि डायमेकस सीरियाई राजदूत था जो बिंदुसार के शासनकाल में 297 से 73 में आया था। अगला लाइफ ऑफ हेंसांग कौन सा सम्मिलित है? तो लाइफ ऑफ हेंसियांग हुई ली ने और द नेचुरल हिस्ट्री टालमी ने लिखा था, और हिस्टोरी टालमी ने नहीं, तो ये प्लीनी ने लिखा था। द नेचुरल हिस्टोरी किसने लिखा था? प्लीनी ने। और हिस्टोरिकल फिलोसफिकल पॉम्पेई स्ट्रोगस ने, और द हिस्ट्रीज हेरोडोटस ने। तो प्लीनी ने 73 AD और 79 AD में रोमन लेखक, प्राकृतिक दर्शन और सेनानायक था। ठीक है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा था? तो वह था मित्र। ठीक है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत का वर्णन मिलता है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के 7 अंग निम्नलिखित हैं, स्वामी, अमाति, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र। अगला है हु वेयर पॉलिगर ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के पॉलिगर कौन थे? तो कौन थे? तो वह थे टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिटरी गवर्नर्स। तो पॉलिगर अथवा पलयाकर 16वीं और 18वीं शताब्दी के मध्य विजयनगर साम्राज्य में प्रांतीय प्रशासक व सेनानायक होते थे। प्रशासनिक सुधार में इनकी प्रमुख भूमिका रहती थी। निम्नलिखित में से किसने हिरण्य गर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो कराया था दंती दुर्ग ने। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में होता है, बैटल ऑफ खानवा 27 में हुआ था, ये भी सही, बैटल ऑफ घाघरा 29 में हुआ था, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी कब हुआ था? ये 28 में हुआ था। ठीक है, अगला है मुगल सम्राट जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? अल्बुकर्क, फ्रांसिस अल्मीडा, विलियम हॉकिंस को या हेनरी द नेविगर को? तो दिया था विलियम हॉकिंस को। 1608 में विलियम हॉकिंस को अंग्रेज कंपनी हेतु व्यापारी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राट जहांगीर के पास राजदूत बनाकर भेजा गया था। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब और इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की थी। अगला है निम्न में से किस
किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था, तो रेड फोर्ट दिल्ली का लाल किला इसका निर्माण नहीं कराया गया था। 1857 का विद्रोह एवं 19वीं शताब्दी का जन आंदोलन है, ठीक है। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, तो हजरत महल ने करा था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे विजरिस कादिर को नवाब घोषित कर प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में ली थी। अगला है 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन, निम्न में से किसके विरुद्ध था, मंदिरों में भ्रष्टाचार, हिंसा और राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी और सांप्रदायिक दिकता, तो यह है करप्शन एंड टेम्पल। 1924 में बंगाल के तारकेश्वर आंदोलन का संबंध मंदिरों में व्याप्त भ्रष्टाचार से था। इस आंदोलन में सी आर दास ने अपना समर्थन दिया था। सम्यंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था, भारतीय बल्शेविक दल या क्रांतिकारी साम्यवादी दल, बोल्शेविक लेनिन दल और अतिवादी लोकतांत्रिक, तो ये क्रांतिकारी साम्यवादी दल था। तो सौमेंद्रनाथ टैगोर ने 1934 में क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की, जबकि भारतीय बोल्शेविक दल की स्थापना 1939 में बंगाल के मजदूर नेता एच दत्त मजूमदार, अजीत राय, सीरीर राय तथा विश्वनाथ दुम्बे ने की थी। अगला है निम्न से किस अधिवेशन के लिए लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना था, तो है कलकत्ता सेशन 1917 में। किसको चुना गया था, एनी बेसेंट को। लोकहितवादी उपनाम किससे जाना जाता है, गोपाल हरि देशमुख, महादेव गोविंद रानाडे, ज्योतिबा फुले, बाल गंगाधर तिलक, तो जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र के समाज सुधार गोपाल हरि देशमुख को 1823 से 1892 लोकहितवाद नाम उपनाम दिया गया था इनको। पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि देशमुख 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे थे। इनके लेख सतपत्रे के नाम से प्रकाशित होते थे। कामागाटो मारू क्या था, तो एक औद्योगिक केंद्र था, एक बंदरगाह था, एक जहाज था, एक सेना की टुकड़ी थी, तो एक जहाज था। 1914 को 376 यात्रियों के साथ कामागाटा मारू जापानी जहाज को किराए पर लेकर गुरुदत्त सिंह बैकूवर के लिए रवाना हुए, लेकिन कनाडा के में प्रवेश नहीं करने दिया गया। इन्हें पुनः कलकत्ता वापस भेज दिया गया और बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मारे गए और 25 यात्री घायल हुए। 1946 कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था, इसको किया गया था सर पैट्रिक लॉरेंस द्वारा। तो 14 मार्च 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्रता पाने का अधिकार है। इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इन 3 सदस्य मिशन स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एंड एलेक्जेंडर एवी एलेक्जेंडर अध्यक्षता लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने किया था। सन यह मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा और इस मिशन ने भारत में तत्काल एवं अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन और संविधान निर्माण हेतु योजना प्रस्तुत की। दीपावली घोषणा पत्र संबंध किससे है, तो इसे डोमिनियन स्टेटस से है। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध डोमिनियन स्टेटस से था। अगला है गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया, चर्चिल ने, अटली ने, माउंट बेटन में साइमन ने, तो माउंट बेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा। अगला है ये गर्म जल स्रोत अवस्थिति, तो मणिकरण, ज्वालामुखी, अनहोनी, तपता पानी, तो यहाँ पर देखना कौन सा सुमेलित नहीं है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश में सही है, ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर में, तो गलत है, ज्वालामुखी है हिमाचल प्रदेश में, अनहोनी मध्य प्रदेश में, तत्व पानी उड़ीसा में, तत्व पानी उड़ीसा, अनहोनी जो है मध्य प्रदेश में और ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश में, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में। अगला है दूध गंगा निम्नलिखित किस में अवस्थित है, तो जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तो यह जम्मू कश्मीर में। दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है और यह चिनाब की सहायक नदी है। अगला है अष्टमुड़ी, अष्टमुड़ी पुलिकट और रूपकुंड और सूरज कुंड, तो अष्टमुड़ी है, अष्टमुड़ी अष्टमुड़ी तमिलनाडु, अष्टमुड़ी केरल, यार क्या दिमाग चल रहा है, अष्टमुड़ी तो पुलिकट, पुलिकट है तमिलनाडु, और रूप कुंड है, रूप कुंड उत्तराखंड में है, और सूरज कुंड है हरियाणा में, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अष्टमुड़ी, केरल, पुलिकट, तमिलनाडु, रूपकुंड उत्तराखंड और सूरज कुंड हरियाणा। निम्नलिखित में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है, तो ये सरिंद, एडन और बिष्ट दोआब नहर या फिर ईस्टर्न ग्रेटर, तो एडन नहर। एडन नहर पश्चिम बंगाल की प्रमुख नहर है, 65 किलोमीटर लंबी है, 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी। निम्न से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय उद्यान है, तो गल्फ ऑफ मन्नार। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में मन्नार की खाड़ी में 21 द्वीपों पर आधारित एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका कुल क्षेत्रफल 6.23 वर्ग किलोमीटर, इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। अगला, भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है, तो वह अंचर झील।
कंचार झील जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। कोलेरी झील आंध्र प्रदेश में, हमीरसर झील गुजरात तथा फुलहर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। चाल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। अगला है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे समय हो जाते हैं क्योंकि उनमें उसमें बाहुल्य होता है लाइसिन का, एमाइलेज का, तेल का, शर्करा का, तो होता है एमाइलेज का। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संबंधित है? एडाफिक से संबंधित है भैया। अगला है, भारत की निम्न नदियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण बनी हुई है? तो वो है रेगुर, कपास वाली मिट्टी, काली मिट्टी। अगर खनिज संसाधन क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों का मत्स्य उत्पादन का सही और रोही क्रम बताइए। तो मत्स्य उत्पादन में हो जाए आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। और फिर नेक्स्ट है, तो वह हो गया आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। और निम्न में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है? तो वह है बलाडिया माइन, ठीक है। बालाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यह लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क उत्पाद जापान को निर्यात होता है। निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क के प्रमुख भंडार है? असम, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो टीन जो है वो है छत्तीसगढ़ में। अगला है, ब्रह्मांड और सौरमंडल से है। निम्न क्रमों में लघु हिमालय माना जाता है कब का? लघु हिमालय माना जाता है 650 AD से 770 AD के बीच। फ्रांसीसी मैथ्यूज ने लघु हिमालय का समय 1350 से 1850 तक नासा में 1550 से 1550 तक निर्धारित किया था। सबसे निकटतम सी सी है। अगला, निम्न से कौन सा जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो सौर किरकित ऊर्जाएं नहीं है, बाकी सभी है। अगला है, अगला है, निम्न से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? तो है टेम्परेट ग्लासलैंड के। फिर है मरुस्थल, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? कालाहारी, गोबी, शिन्नुआ और सहारा। तो कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इस मरुस्थल का विस्तार दक्षिण अफ्रीका तथा बोस्वाना में है। हमारे उपग्रह में मृदुजल की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पर है? तो है भारत उपमहाद्वीप में, पर्वतीय हिमनदियों में। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगुएला है? ये गलत है। कौन सा है? एंजल जलप्रपात है। और वर्ल्ड की सबसे ताजे पानी की झील सुपीरियर है। विश्व की सबसे नई नवगम्य झील है टिटिकाका। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका। अगला है, निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? तो वह है लेक बैकाल। फिर है बांध है, रिवर्स है। तो ग्रैंड ग्रैंड कूली कोलंबिया में, हूवर है टनेशी में। तो हूवर कहाँ पर है? तो कोलोरेडी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में, देविस नदी पॉकर फोल्डर और हुआ बांध से स्थित है। टेनेसी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में है और न्यूग्रेक बक्स में है और चौहरा चंबेजी में है। कोहरा चंबे जाम्बेजी, कोहरा जाम्बेजी और नोरेक वैसाक। एटमॉस्फेयर की बात करें, वायुमंडल के अधूरी मंडलों में पृथ्वी की धरातल में बढ़ती हुई दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले क्षोभ मंडल हो जाएगा, फिर आएगा स्ट्रेटोमीटर, फिर मीजो, फिर सरमो। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, तो समताप क्षोभ मंडल 0 से 12 और 12 से 50 समताप मंडल है। मध्य मंडल है 50 से 80 और तापी मंडल है 80 से 640 और वायुमंडल है 640 से ऊपर। इंडस्ट्री है, लोकेशन है और सूती वस्त्र मसानी मोटर कार। तो मोटर कार के लिए डेट्रॉयट है और सूती वस्त्र के लिए भैया टेक्सास और रसायन के लिए नगोया जापान, कागज के लिए ओंटेरियो। अरे यार क्या ही कर रही हूँ मैं, मिलान फालतू। एक मिनट, कौन सा सुमिलित नहीं है? चलो भैया मिटेगा भी नहीं है। चलिए, कागज के लिए ओंटेरियो सही है। सूती वस्त्र के लिए ये डेट्रॉयट नहीं है, बल्कि मोटर कार के लिए, रासायनिक के लिए टेक्सास है, मोटर कार के लिए नगोया। कागज के लिए ओंटेरियो है, सूती वस्त्र के लिए ओसाका है, रासायनिक के लिए टेक्सास है और मोटर कार के लिए नगोया है। सूती वस्त्र उद्योग डेट्रॉयट से संबंधित नहीं है, बल्कि यह ओसाका को से संबंधित है, जबकि अमेरिका स्थित डेट्रॉयट कार उद्योग की प्रमुख केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का बृहत्तम उत्पादन है? चीली, चीली। अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत था? तो 70.7%। अगला, 2011 की जनगणना के उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर कितनी है? तो इसकी साक्षरता दर 2011 से जनगणना 67.7 है। तो उत्तर प्रदेश साक्षरता दर है 67.7, तो साक्षरता दर इतनी और पूर्व साक्षरता 77.7 इतनी।
स्त्री साक्षरता इतनी तो प्रदेश की कुल साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से 5.7 कम है। 2001 से 2011 के मध्य प्रदेश की साक्षरता दर इतनी दर थी जबकि लोकसभा आयोग ने इसे सी उत्तर माना था। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर भारत में लिंगानुपात क्या है, तो यह नन ऑफ द एब इसमें से कोई नहीं क्योंकि 929 है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है, 16.16%। अगला है संविधान से सरसंधिजन दिया है तो इसमें है क्या है भैया सरसंधिजन, हाँ तो इसमें भारत में लिखित संविधान है और कारण है शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं के संकेतक है, तो इसमें दोनों तो सही है लेकिन यहाँ स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। अगला है कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, हिंसा से दूर रहना, तो यह है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। अगला है संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं, तो वह है विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है संविधान की विषय सूचियों में से दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है, तो कौन बना सकता है, पार्लियामेंट। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, केंद्र तथा राज्य की शक्तियों का बंटवारा, ये तो है पूर्ण राज्य में लिखित संविधान, ये भी है गैर नागरिकता, ये नहीं है गैर नागरिकता भारतीय संविधान में संघीय विलक्षण नहीं है क्योंकि यह संघात्मक राज्यों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, और केंद्र तथा राज्यों की शक्ति का बंटवारा पूर्ण रूप से लिखित संविधान एवं स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान के संघीय लक्षण है। निम्न से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में हुई थी 1966 मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के मद्देनजर। अगला संघीय कार्यपालिका की शक्ति निहित है, तो ये निहित है प्रेसिडेंट में। अगला है भारतीय संसद में शामिल है क्या, लोकसभा तथा राज्यसभा व राष्ट्रपति, और ये भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं होता तो राष्ट्रपति की जगह तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है, तो भैया कोई नहीं बचेगा तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा, तो कथन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, कारण है उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत जो भी हो आधारित करता है, तो इसमें जो है ए तो सही है आर दोनों सही है, स्पष्टीकरण की कोई बात ही नहीं है। अगला है संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने पर दशा में लोकसभा अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और उसका प्रयोग करेगा, तो ये होता है अनुच्छेद में संविधान का अनुच्छेद 100 उपबंधित करता है कि मत बराबर होने पर दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक और उसका प्रयोग होगा। अगला है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में कौन से अधिकारों में से कौन सा है, तो वह है लीगल राइट। फिर है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किस किया गया है, 331 में। फिर है निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की है, तो केशवानंद भारती केरल राज्य ने। संसद में शून्यकाल का आरंभ कब होता है, तो वो होता है दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस। अगला है निम्नलिखित पर विचार करना कथन कारण है, राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्राधिकरण है, ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है, तो पहला तो सही है मतलब कथन कारण गलत है। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर राज्य निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है, ना कि भारत के निर्वाचन आयोग का, इस प्रकार कथन सही है कारण गलत है। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है, तो वह अनुच्छेद में 61 में है। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण में सम्मिलित नहीं है, तो राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचन निर्वाचित सदस्य नहीं है बल्कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं। अगला है संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की लोकसभा के कुल सदस्यों 15% सीमित कर दी गई थी, तो 91वां संविधान संशोधन 2003 का था ये। और अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार के कथन कारण है, तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, संघीय वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय सहायता देने के लिए संशोधन नहीं करता है, तो भैया ये तो पहले गलत हो गया और गलत हो गया,
करता है नहीं करता है तो दिया गया तो गलत है। अगला है गृह उससे इकोनॉमी से है तो कथन है आर्थिक विकास के लिए हमें बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषय पर ध्यान केंद्रित कर रही है तो ये तो सही है और गलत है। आर्थिक विकास के लिए बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है जिससे हमारे विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सरकार सूक्ष्म आर्थिक विषयों के साथ साथ वृहत आर्थिक विषयों पर भी ध्यान केंद्रित करती है। निम्न से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंधित संशोधित करता है तो वह करता है कृषि लागत एवं कीमत आयोग। नेक्स्ट है मुद्रा बैंकिंग से निम्नलिखित किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई लघु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए तो ऑप्शन ए सही होगा। 21 अगस्त 2010 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए उद्यमी हेल्पलाइन शुरू किया है। BSE ग्रीनेक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित हैं तो है 25। अगला नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे के उत्तर से सही उत्तर का चुनाव करिए। ग्रामीण से नगर में प्रवेश की उच्च दर और शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती और औद्योगिकरण की उच्च दर और ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर तीनों के तीनों सही है चौथा गलत है। औद्योगिकरण की ऊंची दर शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या और ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर नगरीकरण के मुख्य कारण है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर होने के कारण ही लोगों का शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया गया था श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा। श्रीमन नारायण अग्रवाल 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न से किसे नापने के लिए किया जाता है तो किया जाता है सोलर रेडिएशन को। और निम्नलिखित में से कौन सा चालक है तो प्लास्टिक है एल्यूमिनियम है जर्मेनियम तो जर्मेनियम है। अगला है मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.44 डिग्री फॉरेनहाइट इसके बराबर होगा किसके बराबर होगा 36.89 के बराबर होगा। अगला है एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा ऊर्जा मिलती है तो कुछ नहीं ऊर्जा मिलती जीरो। अरे कहाँ से मैंने लगा दिया शून्य तो मिलती है जीरो। अगला आकाश का नीला रंग का कारण क्या होता है तो इसमें होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। बॉक्साइट का एस क्या है एल्यूमिनियम कई बार पढ़ाया गया है भैया। और चिकित्सा रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक प्रयोग करते हैं किसका ओतलेस का क्योंकि डायोड पूरा फैल कर दिखता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है कब कब देख सकता है नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। अगला है सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बेंजीन होता है खतरनाक। निम्नलिखित में से कहाँ रासायनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है हरियाणा राजस्थान मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल तो पश्चिम बंगाल में है। और यहाँ पर 7 जिले सर्वाधिक प्रदूषित है। यहाँ पर जल में रासायनिक की मात्रा 0.05 mg/L है और रासायनिक से ब्लू ब्लैक फूट नामक रोग होता है। कौन सा ब्लैक फूट कांसा मिश्रित धातु किसका तो कांसा कॉपर एंड टिन का है जिसमें कॉपर 88% है और टिन 12% है। निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन के इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन का अनिवार्य बना दिया गया है तो ब्राजील में। वनस्पति विज्ञान से क्वेश्चन है कौन सा तना है इसमें सलजम अदरक शकरकंद और गाजर तो गाज शकरकंद अदरक तो प्रकंद मोटा फैला हुआ भूमिगत तना होता है। इसमें कच्छस्थ और गृहस्थ कलिकाएं भी पाई जाती है। यह तना शाखायुक्त और शाखारहित भी हो सकता है। अगला है क्वेश्चन है सिंकुनैना सिंकोना पादप के विषय में कौन सा प्राकृतिक रूप में पाई जाती है तो फल छाल और जड़ बीज तो ये छाल के रूप में। अगला है लौंग है सूखे फूल। और निम्न से कौन सा पादप हार्मोन से इंसुलिन एस्ट्रोजन थायरॉक्सिन साइटोकाइन तो एस्ट्रोजन भैया नहीं है मनुष्य में पाया जाता है। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जाइलम जैसे जल जल का करता है ट्रांसफर जलवाहन के लिए। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज द लार्जेस्ट ऑफ द टूथेड वेल निम्न प्रजाति में से कौन सी दांत वाली बेलों में विशालतम है तो वह है स्पर्म वेल। अगला है जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय है कि उसे पक्षाघात हो गया है कहाँ पर केवल दाएं हाथ में केवल बाएं हाथ में दोनों हाथों पैर में दोनों हाथों पैर दोनों पैरों में तो यह है टेट्रा मीन्स चार होता है चार हाथ दो पैर में। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है लौह मतलब तो उसे होते हैं एनीमिया। अगला है मानव गुर्दे में पथरी ये भैया पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और कैल्शियम ऑक्सैलेट यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं पैंडेमिक। निम्न से कौन सा जल जनित रोग है तो जल जनित है हैजा। किस व्यक्ति का रक्तचाप 140 और है तो इस HG का तात्पर्य मरकरी से होता है।
अगला है मानव शरीर का तापक्रम है, जाड़ों में घट जाता है, नरमी में बढ़ जाता है, और ना ही जाड़ों में घटता है ना ही गर्मी में बढ़ता है। भैया घटता बढ़ता कुछ नहीं है, ठंडी पाला लगती है, हम लोग कंट्रोल करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न से किसका प्रयोग होता है, तो होता है प्लाज्मिड का। अगला है निम्न से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है, तो ये अजैविक तथा जैविक दोनों संगठनों में प्रयुक्त होता है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, एक बंद परितंत्र है, तो ये एक बंद तंत्र है। निम्न से कौन सा जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है, थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, हेलोक्लाइन जल के लिए होता है, तो ये जल में लवणता को दर्शाता है। निम्न से किस में जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है, तो है आइस कोर में। निम्न से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है, वेस्टर्न घाट को। फिर है जैव विविधता की बढ़त, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता को बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता ये है, मध्य व्यवस्थान ये भी है, पारिस्थितिक तंत्र की वायु ये भी है, पोषण असरों की कमी ये नहीं है। अगला है निम्न से कौन प्रवाल विरंजक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, प्रवाल शैलों का खनन, प्रवाल रोगों का फैलना, सागरी जल में अवसादों का जमाव, वैश्विक उष्मन है, ग्लोबल वार्मिंग है। फिर नेक्स्ट, निम्न से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार दहाड़ी विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया, तो वो जोड़ा गया था 2011-12 में। निम्न से कौन सा कथन सही है, जैव मंडली पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है, बिल्कुल सही है, यही सही मिल गया, जैव मंडली पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह चक्रीय, गलत गलत गलत। अगला है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में 2014 में 4 नगरों में मेट्रो चलाने हेतु पसंदीदा अध्ययन फिजिबिलिटी स्टडी एवं विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु स्वीकृति दी गई, निम्न से कौन सा नगर इन 4 नगरों में सम्मिलित नहीं है, तो इलाहाबाद शामिल नहीं है। अगला कथन कारण, उत्तर प्रदेश वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है, भारत निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है, तो कौन सा सही है कथन कारण, दोनों सही, कारण कथन की व्याख्या भी करता है। अब करंट न्यूज है उस टाइम का भाई, इसको देख लीजिए, नहीं तो आप इससे अपडेट करके फिर नए न्यूज बनाइए। मार्च 2015 में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित फेजेज एंड रिप्लेसेज नामक पुस्तक किसने लिखा, तो वो लिखा था दीपक नायर ने। ठीक है, फिर है अगला, ये जिनमें से किसके द्वारा 2015 में प्राप्त सूचना के अनुसार मंगल ग्रह पर जैविक रूप से उपयोगी नाइट्रोजन पाई गई, तो वो पाई गई क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा। 2015 में अर्थ आवर मनाया कब गया था, तो 28 मार्च को, अभी याद करिए कब मनाया गया था। 2015 में प्रकाशित पत्रिका टेक्नो फिजिक्स के अनुसार विश्व का सबसे बृहत्तम ज्ञात क्षुद्र प्रभाव ग्रह प्रभाव क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, तो वह है ऑस्ट्रेलिया में। निम्न से किसमें 2015 में जीएसटी पर अधिकार प्राप्त राज्य के वित्त मंत्रियों के समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला, तो संभाला था के एम मानी ने। अगला है मार्च 2015 में समर्पित वाणिज्यिक न्यायाधीशों की स्थापना की घोषणा करने वाला प्रथम हाई कोर्ट कौन सा है, तो वह दिल्ली हाई कोर्ट। अगला है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा तैयार किए गए ओपन गवर्नमेंट सूचकांक 2015 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है, तो 37वां स्थान प्राप्त था। और निम्न से किसे 1 दिसंबर 2014 में भारत द्वारा सफलतापूर्वक प्रेक्षण किया गया था, तो है जीएसएलवी थर्ड को। अगला है जनवरी 2015 में प्रारंभ किया गया भारतीय सेना का ऑपरेशन ऑल आउट किसके विरुद्ध था, तो यह विरुद्ध था बोडो मिलिटियन से असम के थ्रू। नैनो प्लग संबंधित है, नैनो स्मॉल हियरिंग एड से। अगला आतंकवादी समूह अल शबाब ने अप्रैल 2015 में गर्मिया विश्वविद्यालय में 147 लोगों का कत्ल कर दिया गया, यह विश्वविद्यालय अवस्थित है, तो यह है केन्या में। अगला है यमन में संचालित ऑपरेशन स्टार्म ऑफ रिजॉल्व में किस देश ने नहीं भाग लिया था, तो ओमान ने। ठीक है, चुंबकीय वेधशाला जिसका उद्घाटन 30 मार्च 2015 को किया गया अवस्थित है, तो यह है पोर्ट ब्लेयर में। 2015 में निम्नलिखित में से किस राज्य में अपने समुद्र तटीय इकोसिस्टम में तटीय वाय सीमा में डॉल्फिन जनगणना का प्रारंभ किया, तो वह किया था ओडिशा ने। फिर है फरवरी 2015 में भालचंद्र नामाडे को निम्नलिखित किस पुरस्कार हेतु चुना गया था, तो वह है ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए। अगला फरवरी 2015 में निम्नलिखित में से किस देश में उसके 4 नगरों के साथ एक पहली बार ड्राइवर रहित कार परीक्षण हेतु चलाई गई थी, तो है ग्रेट ब्रिटेन में। अगला भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा 2015 में विमोचित पुस्तक आतंक साय में किसने लिखी थी, तो ये गरिमा संजय ने। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्रवासी भारतीय सम्मान 2015 में सम्मानित नहीं हुआ था, तो इला गांधी नहीं हुए थे, बाकी सब हुए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2015 में जस्टिस एस सिन्हा को अपना मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था, तो किया था बांग्लादेश ने। तो
और जनवरी 2015 में संपन्न हुए 19वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की विषय वस्तु थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी स्वच्छ हरित और प्रगतिशील भारत के लिए युवा वर्ग। अगला निम्नलिखित किस राज्य में फरवरी 2015 में अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली शुभारंभ किया गया? तो किया गया था हिमाचल प्रदेश में। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2015 संबंधित है? तो संबंधित है नामित शर्मा बनाम भारत संघ द्वारा। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? तो है जानवरों के दर्द निवारक देना। अगला है निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। फिर है निम्नलिखित में से कौन सम्मेलित नहीं है? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ था, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1997 में हुआ था, और प्रथम सॉरी एजेंडा 21 में हुआ था 97 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? कार्बन व्यापार के लिए, ओजोन के लिए था। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने उसके कुल क्षेत्रफल के 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? तो है भूटान का। और है मिलान करना है थर्डिम त्रिभुज और बरमूडा त्रिकोण और सुदूरपुर चावल और कटर कटोरा। तो सुदूरपुर चावल कटोरा और ये रेड बेसिन, तो ये सुदूरपुर चावल का कटोरा म्यांमार है भैया। और सोडियम त्रिकोणी कौन सा है, ये किसके लिए है? तो ये है सोडियम चतुर सुदूरपुर सोडियम दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र है। और है बरमूडा त्रिकोण, ये किसके लिए है? उत्तरी अटलांटिक महासागर के लिए है। और ये क्या है सुदूरपुर रेड बेसिन चाइना के लिए, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है निम्नलिखित देशों के नामों में किसके नाम का मतलब लगभग 40 कबीलों का देश है? तो किर्गिस्तान का नाम है। और है टोडा, टोडा पाया जाता है कहाँ पर? तमिलनाडु में, लेपचा लेपचा सिक्किम में, और बिरहोर मेघालय में, और नहीं गारो गारो मेघालय में, बिरहोर झारखंड में। तो ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, यहाँ पर है टोडा, तमिलनाडु, लेपचा सिक्किम, बिरहोर झारखंड और गारो मेघालय में। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर घोस्ट टाउन नहीं है? तो कौन सा है? चरखरी नहीं है। अगला तो दिए गए प्रश्न में चरखरी ध्वस्त नगर घोस्ट टाउन नहीं है, जबकि धनुषकोडी तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात ध्वस्त नगर है। निम्नलिखित में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? तो वह करता है ऑयल कंपनीज। अगला है अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम का, एनटीपीसी का। अगला है कांडला निम्नलिखित किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांडला प्रसिद्ध है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। फिर है 19 नवंबर निम्नलिखित में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में। और निम्न राज्यों में से किस में 4000 मेगावाट क्षमता और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है? तो राजस्थान में है। नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की परियोजना है? संस्कृति की, मानव संसाधन की, या अल्पसंख्यक मामले की? अल्पसंख्यक मामले की है। निम्नलिखित में किसने वर्चुअल क्लस्टर्ड वेब पोर्टल प्रारंभ किया था? तो वो किया था मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम ने। और यह WTO और IMF और SAARC और IDA, तो इसका जो देखना है तो WTO किसके लिए है? जैसे मानता व्यापार के लिए है। WTO किसके लिए है? व्यापार के लिए। हाँ यार ऋतु गजब, हाँ व्यापार के लिए ऑप्शन बी। और BIMF किसके भुगतान संतुलन के लिए है? ऑप्शन ए। और SAARC किसके लिए? दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग है। और IDA किसके लिए है? ये है नए नम्य ऋणों की स्वीकृति के लिए, तो ऑप्शन हो गया सी। फिर है ये निम्न कार्यक्रमों में से कौन 2 अक्टूबर 2019 तक पूरा करने का उद्देश्य रखा गया? तो स्वच्छ भारत मिशन। तो ठीक है, कंप्लीट हो जाए वीडियो। ये वीडियो पसंद आता है लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।